एक डॉक्टर की परेशानी, जब मरीज को खून देना हो तो उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता है, लेकिन जब ऑपरेशन में कुछ गलती हो जाए तो उसके 200-300 रिश्तेदार कहाँ से आ जाते हैं। पति बोला, यह सुबह उठ के कहाँ जा रही हो? पत्नी, मॉर्निंग वॉक पे। पति बोला, पार्क में जानवर को आने नहीं देते। चालक पत्नी, इसलिए तो आपको लेके नहीं जा रही हूँ। पति बेहोश। अब वक्त आ गया है, कुछ बूढ़े लोग 3-4 स्वेटर पहन के और टोपी लगा के आपके पास बैठेंगे और फिर ज्ञान देंगे, बेटा ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। पति बोला, मैंने खाना खा लिया है। पत्नी, ओए होए, बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। पति की आंखों में आंसू आ गए। लड़की देखने गए हुए लड़के वाले बहुत सीधे लोग थे। लड़का, आपकी शिक्षा? लड़की, MFIAS। लड़के ने आगे डिग्री का डिटेल्स यह सोच के नहीं पूछा कि कहीं लड़की उसे अनपढ़ ना समझे। बाद में वे लोग चले आए और शादी भी हो गई। शादी के बाद लड़के ने लड़की से पूछा कि यह MFIAS क्या होता है। लड़की ने बताया, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। लड़का बेचारा बेहोश हो गया। दरवाजा खोल दे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देयर वॉज अ कोल्ड डे। नहीं समझ में आया, अब इसे लगातार 5 बार बोलते हैं। देयर वॉज अ कोल्ड डे, देयर वॉज अ कोल्ड डे, देयर वॉज अ कोल्ड डे। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। पति ने दरवाजा खोला, सामने एक कुरियर वाला था। पति, इसमें क्या है? कुरियर वाला, सर आपके खाने की चीज है, मैडम ने मंगाया है। पति ने फटाफट बॉक्स खोला और फिर कुरियर वाले को जोत होया और बोला, बेवकूफो, यही कमी रह गई थी, अब बेलन की भी होम डिलीवरी देने लगे। आदमी अगर होशियार है तो तारीफ के सहारे बीवी से भी बहुत सारा घर काम करा सकते हैं। आजकल के लड़के सड़क पे ऐसे लहरा के बाइक चलाते हैं जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपनी नागिन का मौत का बदला लेने जा रहा है। बेटा निपट जाओगे किसी दिन, संभल के चलाते जाओ। छोटू को दादी गोदी में सुला रही थी, तब छोटू बोला, दादी हम लोग हमेशा पास ही रहेंगे, तुम, पापा, मम्मी, मैं और दीदी। दादी बोली, नहीं रे, तेरी शादी होते ही हम 6 हो जाएंगे। छोटू, दीदी की शादी होने पे फिर 5 हो जाएंगे। दादी, तुझे बच्चा होगा तो फिर से 6 हो जाएंगे। छोटू, और तुम मरोगी तो फिर 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा नालायक कहीं का। चलिए चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली बताए, वह क्या है जो ईयर में एक बार, वीक में 2 बार, पर मंथ में एक भी बार नहीं आता है? चलो दिमाग लगाओ, कमेंट करके बताओ। टीचर, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? पप्पू बोला, ना दुनिया गोल है ना चपटी, दुनिया 420 है। टीचर ने पप्पू को सीधा कैप्टन बना दिया। एक बार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की झुंड को लेके जा रहा था, तभी रास्ते में चलने वाले एक आदमी ने कहा, अगर मैं बताऊं कि इस झुंड में कितने भेड़े हैं, तो एक मेरी होगी। चरवाहा बोला, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आदमी ने कहा, यह 241 भेड़े हैं। और फिर उसने एक भेड़ को उठाया और अपने कंधों पे रख लिया। चरवाहे ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो, तो क्या तुम इसे लौटा दोगे? उस आदमी ने कहा, हाँ बताओ। चरवाहे ने कहा, तुम रोजाना सुबह शाम टीवी पे न्यूज देखते हो ना? आदमी बहुत हैरान हुआ और पूछा, तुम्हें कैसे पता? चरवाहे ने कहा, पहले कुत्ते को नीचे रखो, फिर बताऊंगा। 3 दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पे रहते थे। एक दिन बेचारे काम से घर लौटे तो पता चला कि लिफ्ट
काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली 50 मंजिलों तक एक दोस्त ने एक एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया। इसके बाद 99 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पर फ्लैट के बाहर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई कि तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं फ्लैट की चाबी कार में ही भूल आया हूँ। सात बाबा सात चटाई पे बैठे थे। एक आदमी आया और पूछा, बाबा मुझसे मेरी बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? बड़े साधु बगल में बैठे छोटे साधु से बोले, एक चटाई और लगा दो भाई के लिए। एक सच बात, बीवी को इज्जत देने वाला पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। एक सच बात, खाली बोतलें लेने वालों ने बंगले बना लिए, मगर बोतलें खाली करने वालों ने जमीन तक बेच दी। यह हकीकत है, चौक नहीं।